तो आज मैं ब्लॉग करने वाला हूँ। मैं मेहंदीपुर बालाजी तक, और अभी हम शताब्दी ट्रेन में हैं, और अभी हमको ये कॉफ़ी और बिस्कुट बेड की मिल चुकी है। पर मैंने बेड कॉफ़ी ली है, और टी वाले में मिलती है हमको शुगर पाउच, क्रीमर पाउच और टी बैग। टी बैग मिलता है सेम कॉफ़ी में, टी बैग की जगह कॉफ़ी बैग मिलता है हमको। इसके साथ मैरी का बिस्किट मिलते हैं, ये हमको मिलता है। मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है, मैंने कॉफ़ी चूज़ की थी और मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो फिर मैंने मिल्क पाउडर डाल लिया है। अगर कम स्ट्रांग बनानी है तो फिर आधा पाउच डालते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रांग बनानी है तो पूरा पाउच बनाते हैं। तो मैंने पूरा डाल दिया तो फिर मिल्क पाउडर डालना पड़ा। इसके साथ हमको ये बोतल मिलती है रियल नील की, और इसमें लिखा है संजय करी जल बेहतर बनाए कल, और इसमें हम फूड भी बुक कर सकते हैं ट्रेन में। यहाँ पे साइड भी दी गई है, फिर 1323 पे कॉल भी कर सकते हैं। ग्रीनरी भी दिखा देता हूँ बाहर की। फर्स्ट पेज पे दिल्ली सरकार के वो क्या कहते हैं, कोरोना के कोई कोरोना से बचने के लिए काफ़ी सारे उपाय, जैसे कि मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए 20 सेकंड तक, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए। और यहाँ पे दिल्ली सरकार की फोटो भी है अरविंद केजरीवाल। आने वाला है अलवर जंक्शन, ट्रेन स्लो हो गई है और काफी सारी मकान भी आने लग गए हैं। अभी बस हम 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जिस टाइम पे ट्रेन पहुंचे थी उससे 2 मिनट लेट हो गई है अलवर पहुंचते हुए। मैं काफी सारे ईंट के मकान हैं, दो तीन लोग भी हैं, बहुत से पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, काफ़ी सही चीज़ें। मैं बाहर भी दिखा देती हूँ। हाँ, तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, एक सूखा पौधा है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्कूटियाँ भी खड़ी थी क्या? अभी ये होटल नटराज आ गया पीछे, ये एक बड़ा सा घर आ गया, फिर कुछ और है। लगता है स्टेशन आने वाला है। और यहाँ पे अभी एक बिजली का तार गया, टावर गया। काफी सारे जा रहे हैं, पीछे वो PNB का बैंक गया। हाँ, ये देखिए बोर्ड आ गया अलवा जंक्शन का, और ये हमारा स्टेशन भी आ गया। ज्यादा लोग नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़े थोड़े लोग हैं। और यहाँ पे काफी सारी दुकान है, चिप्स की, नमकीन की और बाकी सब चीज़ों की। यहाँ पे RCT रिफ्रेश फूड प्लाजा गया, फिर यह है अलवर जंक्शन का। अभी हमारा टाइम बज रहा है 8:45 बजी है, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे खड़े। और यहाँ पे एक दुकान है, ये जहाँ पे चिप्स भी हैं, नमकीने, हाँ। तो फिर हमारी ट्रेन रुक चुकी है, देखिए यहाँ पे रेलिंग जैसा है, रेलिंग होती जैसे घर की, और ये सब रेलवे की पटरियाँ हैं।
यहाँ पे काफी सारे अंदर दुकानें भी हैं। अब हमारी ट्रेन जा रही है, इसने थोड़ी स्पीड पकड़ ली है। अभी कुछ ही समय में वापस चली जाएगी। यह है रेवाड़ी स्टेशन, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन पर। यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं और यहाँ पे मालगाड़ी है जिसपे एड भी लिखा है अल्ट्रा टेक का। और यहाँ पे बड़ा सन्नाटा है। अभी 7:46 हो गया है, 10:46 हो गया है। देखिए टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इतनी बहुत बड़ी मालगाड़ी है। क्या 2 मिनट यहाँ पे रुकेगी। यहाँ पे ताजमहल की सीनरी भी है, वहाँ पे एक छोटा टीवी जो अभी चल नहीं रहा है। यहाँ पे काफी सारी ट्रॉलियां भी है और पीछे एक टीवी चल रहा है जिसपे लिखा है कि हम कब कब पहुंचेंगे। काफी सारे कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ लोग सोए, कोई मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, कोई जाग रहा है। और हमारे पीछे जो टीवी है उस पे लिखा है यू हैव टेकन ऑल योर बिगिंस बिफोर लीविंग बिलोंगिंग्स बिफोर लीविंग द ट्रेन। दिस ट्रेन इज रनिंग राइट टाइम। ये ट्रेन अभी अपने सही टाइम पे जा रही है। ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई है। हाँ तो फिर लगता है कोई स्टेशन आ गया है, आने वाला है। लिखा है भारतीय रेल में यात्रा करने के लिए धन्यवाद। और अब मैं मोबाइल पे हॉटस्टार पे कार्टून देखूंगा या फिर देखूंगा एंटरटेनमेंट के लिए। ज़्यादातर लोग सो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग कोरोना का पालन करके मास्क लगाए हैं। और साथ ही साथ IRCTC के वेंडर सब खाली प्लेट ले जा रहे हैं। और फिर लगता है बाद में नाश्ता आएगा इसके अगले स्टेशन पर। अभी लगता है 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कोई और स्टेशन पर, कोई दूसरे स्टेशन पर। यहाँ पे रेवाड़ी स्टेशन आ रहा है। फिर अब हमारा खाना भी आ चुका है, इसमें है कटलेट्स, शायद देख लेता हूँ। ब्रेड है, 2 ब्रेड है और हमको ये बटर मिला है, लगता है ब्रेड बटर के लिए। तो फिर हमको अभी तक मिल चुका है ये नैपकिन, मैंगो फ्रूटी, 2 ब्रेड, बटर और कटलेट्स प्लस बॉइल्ड सब्जी। तो फिर ऐसे यहाँ पे 2 कटलेट्स है, यहाँ पे सब्जी है बीन्स की और गाजर की। बीन्स
उसको अच्छी नहीं लगती, पर गाजर अच्छी लगती है उसकी सब्जी। और साथ ही साथ हमको ये बड़का बटर, इसको जब खोल के देख लेते हैं। फिर अब हम इसको खोल लेते हैं। स्टॉप कर दो अभी, पॉज पॉज, खोल दो बाप, खोल दो ना, खोल दो। हाँ तो फिर ये हमको इसमें बटर मिला है, बड़ी सुंदर शेप का, फ्लावर शेप का यह बन गया है। कोहरा छा गया है इसलिए पहाड़ पीछे नहीं दिख रहे हैं। वो बिजली का टावर है, बिजली का टावर है। ये सारी वायरें जा रही है, काफी सारे पेड़ पौधे हैं, काफी सारी खेती कर रखी है सरसों की, काफी सारे बड़े बड़े पेड़ भी है। कोहरा छाया हुआ है हर जगह। और वो एक और बिजली का टावर है। अब यहाँ पे थोड़े घर आने लग गए हैं। लगता है कोई स्टेशन आने वाला है। ट्रेन भी थोड़ी सी धीमे हो रही है, लगता है कोई स्टेशन आ गया है। ये ट्रेन है दूसरी। स्टेशन आने वाला है। और ये काफी सारे मकान भी आने लग गए, बड़े बड़े टावर भी आने लग गए, काफी सारे घास फूस। फिर यार घर देख सकते हैं, लगता है कोई ना कोई